ब्लॉग शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एंड पे हमारे एचओडी का एक छोटा सा मैसेज भी है, वो आपने मिस नहीं करना, बहुत जरूरी मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये एक ब्लॉग है लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट। इसमें मैं अपना मेडिकल कॉलेज दिखाऊंगा। एक कॉलेज बहुत ही खूबसूरत शीशे वाली बिल्डिंग है जिसे देख के हर कोई पिघल जाता है। शीशे वाली बिल्डिंग आप जरूर देख के पागल हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत है कि क्या ही कहने हैं उसके। इसके चार फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर ये हमारा लेक्चर हॉल है, इसमें पढ़ाई के अलावा मतलब स्लाइड्स पढ़ाई जाती हैं लेक्चर के नाम पे। फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर बायोकेम फ्लोर है, अब्बा के हवाले से कुछ कहेंगे। लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट लोग होते हैं जो मुकर जाते हैं। लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट के बारे से कुछ कहना चाहेंगे? लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट ये कैप्शन है वीडियो का। लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट ऑसम, यू नो ऑसम मतलब इधर के ग्राउंड्स एंड मतलब आप कभी भी आप बंक मार सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, ना ही ना बेटा 11 बजे से पहले पाए नहीं जाएंगे। मेरे वाली क्लासेस टीचर तो मीकूस में और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल था, लेकिन ये गलत है। आउटस्टैंडिंग और सैटरडे की छुट्टी भी होती है। आप चाहे 8:30 आओ, आप चाहे 9 बजे आओ, आपकी अटेंडेंस लग जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं। हम अगले साल सीटें नहीं मिलेंगी। थर्ड फ्लोर हिस्टोलॉजी / एनाटॉमी फ्लोर। गाइस यहां मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हूं, बेस्टी के साथ हूं, इसका नाम इमेश, डॉक्टर इमेश नियाज है। और ये हमारा यहाँ पे DH हो रहा होता है ऐसे। बैच वाले तो जल्दी फ्री होते हैं, लेकिन ये बैच ए वाले बेचारे फंसे होते हैं। और वहाँ पीछे डाइसेक्शन भी हो रही होती है। यहाँ शाम के टाइम हम स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं, बैडमिंटन खेले जाते हैं, जिसका थोड़ा सा छोटा सा क्लिप ये रहा। तो ये अब हमारा बैडमिंटन का टाइम होता है, शाम टाइम हम बैडमिंटन खेलने जाते हैं। आज रात रानी मुझे भी दिखा दे, मिली हुई है आज रात रानी मिली हुई है ज़्यादा नहीं मिली। अच्छा, तो शाम टाइम यहाँ बैडमिंटन होती है, बैडमिंटन सेशन में। सो नाउ वी विल प्ले, क्योंकि मेडिकल के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए, तो गाइस अब हम खेलने जा रहे थे, ये मुरादी मेरे साथ जा रहे थे, तो बीच में हमें हमारा एक दोस्त मिल गया, साथ ही अकेला बैठा था। माज अकेले क्यों बैठे हो? एमिरेट्स की भाई वो माज अकेले क्यों बैठे हो? अच्छा यार, नहीं अभी जिम आए थे और यहाँ किसी ने ये गिराया हुआ था सब कुछ, गंद में बचा हुआ है। तो ये थोड़े छोटे मोटे मसले होते हैं हॉस्टल में, लेकिन कोई बात नहीं। और ये अब सेट हो रहे हैं, इसके बाद हम क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे है वॉल ऑफ लेजेंड्स, सारे लेजेंड्स इमरान खान अफरीदी वगैरह। तो ये यहाँ का जिम है जहाँ बैडमिंटन होती है एवरी डे। हेयर वी आर, यहाँ जुगाड़ लगाने अब हम, ये नेट सेट करने के लिए जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। ये तो मुराद भाई, ओ नाइस। तो अब ये रेडी है खेलने के लिए। डिसलाइक ऑप्शन तो नहीं है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें बैटिंग नहीं मिली, बैठ के रो रहे हैं। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये वीडियो सीनियर्स भी देखेंगे। ये बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। हमें बैटिंग आप एक और में वीडियो है ना, अब बोल लेना है। यही भाई है हमारे खड़े। आशी भाई आप भी कोई चश्मा ना चाहे, यही भाई। उसके अलावा इस कॉलेज में और मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई होती है, लेकिन हम उसको फन बनाने के लिए थोड़ी छोटी मोटी एक्टिविटीज देखते हैं। उसके अलावा नो बैकपैक डे भी होता है, जिसके थोड़े से क्लिप्स आप देख सकते हैं। फोटोग्राफर है नरेश भाई, आप क्या लो? आप क्या लाए हो? वो तो घर से कोई उठाने नहीं देता, दूसरों के और स्लाइड में सामान उठा के।
मेरा कॉम्पिटिटर क्या लगा क्या लगा ये क्या लगा मांग रहे डकैती डाल रहे पैसे निकाल ये 50 का नोट चक्के था मैं नहीं मैं डाल रहा मैं ढका है जेब वाला देखो पछिया नहीं आ रहा मेरे मसल में सलमान तू क्या लाए सलमान ब्रो आप क्या लाए हो आप क्या लाए हो सलाम मैं हाल ही में आप क्या लाए हो आजा टेंपर क्या लाए आधा इंसान आप तो दूसरी कॉपी करके आए हो दूसरी कॉपी ही है गुड यार गुड 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 वेरी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपका हर ब्लॉग देखता हूँ मैं क्या वही जो सब लाए हैं नहीं सब लाओ अच्छा तो हट जाओ और ऊपर यार नाइस लड़कियों वाले शौक कब दीज आर माय टू बेस्टीज क्या फील कर रहे हैं अब्बा में मेडिकल कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस है सेकंड ईयर में आ गए कैसा महसूस हो रहा है सेकंड ईयर में आके अच्छा महसूस हुआ लेकिन अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आप ये सारे लोग कॉलेज में जुक्ते मारते हैं और आप जुक्ते खाते हो तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे चुप कर जाओ आप बकवास नहीं करना नहीं नहीं अब आपकी वीडियो बन रही है आप अच्छी बात है और आप इतने अशुद्ध क्यों हैं आप बताइए आप मेरी जिस्म मेरी मर्जी और आप बताइए आपको कॉलेज के अंदर सारे सिक्स क्यों कहते हैं क्या आप छक्के हैं ऑब्वियसली उनके पीछे एक वजह हो सकती है उनके पीछे इसके पीछे मैं कह रहा हूं जो सेक्स बोलते हैं ना इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है कोई कारण हो सकता है इज इट अ लाइट सीक्रेट और डार्क सीक्रेट इट्स अ डार्क सीक्रेट इट्स अ डार्क सीक्रेट ओह निगा सीक्रेट खाला सीक्रेट एंड यू ना बोरिंग व्लॉग है मैं खुद ना देखूं भाई यू टू द लाइन इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल यार वो कैसे झूठ वो एक्चुअली मैं तब थोड़ी सी नींद में था मुझे पता लगा कि सर कह रहे हैं कि एब्सेंट का पूछ रहे थे नहीं यार मतलब क्लास में अगर आपको नींद आ रही है तो फिर आना क्यों है भाई एक्चुअली अटेंडेंस लगानी है सिक्स मुराद भाई वेलकम आज बन के भी वो टीवी के होस्ट बन के आए हैं मगर हम लोग हैं अच्छा मुराद भाई आप बताइए कि आप ऐसा 3 पीस के टू पीस के पहन के आते हैं उसकी अपनी मर्जी है यार बंदा डिसेंट लगता है अच्छा वो वीडियो बन रही है इसलिए मैं काला वाला जवाब नहीं दूंगा मैं गाइस ये हम फर्स्ट ईयर पास करने के बाद सेकंड ईयर के पहले सबसे और हमारे फर्स्ट सबस्टेज ये डॉक्टर सेंसर डॉक्टर ही कासिम भाई आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर पास करें वो भी माशाल्लाह डिस्टिंक्शन के साथ तो आपके क्या रिएक्शन है सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा I want to thank me. I want to thank you to all of you who made this successful day for me. Almost impossible. What? No, fuck you. Lal bhai passed kar gaye first year with gracing with flying colors. Kya reaction hai aapka? Allah ka shukr hai. Dusri baar Allah ka shukr hai. Tisri baar Allah ka shukr hai. So bhai first year pass ho gaye with flying colors. Allah ka shukr. Kasim bhai ek share ho jaye. Sasti poet bhai. Ji bilkul bhai. इरशाद क्या कहा ख्वाब में देखा मुझको क्या कहा छपड़ी है ना ख्वाब में देखा मुझको छपड़ी है इसका मतलब सो लिया तुमने ये हमारे क्लास का खान है जो अपनी मूंछों की वजह से पहचाने जाते हैं माशाल्लाह हाशिर खान और ये हमारे क्लास का दुबई है दुबई का एक और नाम भी है लेकिन चलो वो रहने देते हैं What a great human he is. Sir, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके अच्छे लग रहे हैं बातों में Hi Hafiz. He is also one of my greatest friends ever. तो आप कुछ कह रहे थे
आपके बारे में कहा जाता है आप कॉलेज के सबसे शरीफ लड़के हैं। यार बात यह है कि किसी हद तक ठीक है, कह सकते हैं। वैसे सबसे शरीफ तो मैं कहता मैं हूँ। मुराद भाई आप कुछ कह रहे थे? मुराद भाई को तो आप लोग जानते होंगे, आपने ब्लॉग में देखा होगा, ये वही बंदा है जिसके साथ मैं बैडमिंटन खेलने गया था। मुराद भाई आपको याद है आपके साथ बैडमिंटन खेली थी? एक साल पहले की बात है। हाय शेरान ब्रो, आपके नाम का मतलब क्या था? आज सर का फेयरवेल है, सर इम्तियाज प्रिंसिपल का, ये हम सब जा रहे हैं। तो स्टिकी नोट्स तो लगा लिया उनके रूम में, तो अब उनकी कार पे हम स्टिकी नोट जाने जा रहे हैं। अलविदा। यार बेस्ट कोर्ट बताओ, वो सारे कोर्ट लाए अंदर, सारी ला ये थी वो सर इम्तियाज के वेट लिफ्टर्स, सारा साल वेट लिफ्टिंग करके इधर पढ़ने में सही है। इतने पढ़ लेने हैं इधर पढ़ने, उसने मुझे वो वाली इधर लगानी चाहिए। लिखाड़ा हो, लिखो लिखो सर, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, दोबारा उन्होंने हां ये लिख दे। और नहीं वो नहीं, वो लिख लेते हैं यार, लगाना चाहिए सर, जा रहे हैं छोड़ के। सेकंड ही हर पुट कम कर स्टार ऑफ अब जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी जा रहे हो, जा रहे हो ना जाओ, ना ले तुसी एक लड़का देखा हमने पीछे से तीर बनाने, ओहो ओहो ओहो, हाँ ये भी ठीक है, दो दो दे लें, दो स्टीव्स तेरे पीछे से ली थी। वेरी नाइस, इसको हंसी आ गई। ए नीचे लिख दो सोना बच्चा, दिखा ना इसे यार, ये ठीक है, खराब नहीं। ओ दिल रो है आपके, क्या तासुरात हैं सर के जाने पे? आपके क्या तासुरात हैं सर पे जाने पे? मेरे थोड़े थोड़े सैड हैं और थोड़े थोड़े हैप्पी वाले फील भी हैं। सेम। आपके झोल? ओ भाई और डरपोक स्टीव, आपके बहुत धनी है, बहुत धनी है, वैसे अपनी जिंदगी तो बहुत धनी है। सर का फेयरवेल हो रहा है, सारे बैचेस इकट्ठे हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर। इतना रश सर के जाने में, कह सकते हैं सर जा रहे हैं, बस बहुत दुखी बात। सर की फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत है, बहुत। इस खुशी के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोटेस्ट हो रहा है वो देखिए, अनसब्सक्राइब करो, एडमिन आए हम तो हमारा मुताबिक माना जा रहा है। मुझे अंडे वाला बर्गर, अच्छा ये काट हो गया क्या? सब डालूंगा, सब डालूंगा। यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, मैम हो रही है, स्टूडेंट अपना तालब हो रहे हैं, ये सब हम बैठे हैं, और वो पीछे देखो हमारे डैश सी आर बैठे हैं, सी आर बैठे हैं, इनसे वो देखो वो सी आर। हाय आई एम अंडर द वाटर, और ये प्रोटेस्ट फ्लॉप हो गया। और छुट्टी के बाद ये कैफे में आके ये सीन्स होते हैं, यहाँ लंच किया जाता है, खाने के सीन्स पाए जाते हैं, ये हमारा कैफे सीन्स होता है हॉस्टल के बाद, ऐसे भूखे लोग आ जाते हैं खाना खाने और ये खिलाते हैं खाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने व्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा, ऐसे व्लॉग्स का सीन देखने के लिए, या आपको अगर इस कॉलेज व्लॉग का पार्ट टू चाहिए तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कौन देख रहा है, किसको पसंद आ रही है, किसको नहीं पसंद आ रही, क्रिटिसाइज करें, दिल खोल के करें। और फिलहाल ये ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल में हम सीखते हैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग में आ गया, ये जैसे मैं टाइम पास के लिए बुक पढ़ रहा था, तो हम कितने सही लोग हैं, ट्यूटोरियल की ज़रूरत ही नहीं है हमें, टीचर्स यहाँ आते हैं, बैठे होते हैं, शुगर लगाते हैं, चले जाते हैं।
नहीं नहीं टीचर शुगर नहीं लाते, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सॉरी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी हम शुगर लाते हैं। और जी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये हमारे कॉलेज के एचओडी हैं, ये हमारे कॉलेज के एचओडी हैं मियां मलिक आफताब साहब। प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं एनाटॉमी का एचओडी हूँ, नाम का एचओडी हूँ बेसिकली। ये मेरा बेटा बेटा चिश्तियाँ का है। हम बेसिकली आपको बताना चाहते हैं एनाटॉमी मुश्किल नहीं है। और यूट्यूब के बारे में बताओ, आप व्लॉग में आ रहे हो सर। यूट्यूब जो है लोग कहते हैं यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, खाने के बाद खानी चाहिए एक चम्मच। हाँ, YouTube हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यार, बोर नहीं करना व्यूअर्स को। YouTube जो है ना, लोग कहते हैं YouTube पे अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल के अलावा, हाँ मेरे चैनल के अलावा इसका चैनल जो है ना खड़ा पड़ा है, देखे एंजॉय करा दिया काफ़ी।